हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के लिए बॉटनी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं और आपको हमने फर्स्ट पेपर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट बता दिए थे। सेकंड पेपर आपका जो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें हम उसके एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी आपको बता चुकी हूँ। अब आते हैं फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट और उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। ट्रांसपिरेशन क्या है पहले आपको ये पता हो, क्योंकि हम पौधे पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, ट्रांसपिरेशन हम उसी में शब्द सुनते हैं। पौधे की सरफेस से, यानी प्लांट की सरफेस से, लीफ से, स्टेम से या अदर सरफेस से, रूट से नहीं, प्लांट की अपर सरफेस यानी जो ग्राउंड की ऊपर सरफेस है, उस सरफेस से पानी का भाप बनकर उड़ जाना, ये कहलाता है ट्रांसपिरेशन। तो पौधा जितना यूज़ करता है, एब्जॉर्ब करता है, कुछ पार्ट उसका यूज़ कर लेता है, लेकिन एक्सेस वाटर जो है वो कैसे हो जाता है, बाहर भाप बनकर उड़ जाता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन। तो हमें ट्रांसपिरेशन की भी पत्ती की सरफेस से होता है तो वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहलाता है, एक क्यूटिकल के द्वारा भी ट्रांसपिरेशन होता है कुछ मात्रा में, और तीसरा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो तीन तरह के ट्रांसपिरेशन होते हैं, लेकिन पत्ती की सरफेस से जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है उसकी रेट सबसे ज्यादा होती है। अब पत्ती की भी दो सरफेस हैं, अपर और लोअर। तो हमें आज स्टडी करनी है टू स्टडी द रिलेटिव रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीफ सरफेसेस, यानी अपर और लोअर सरफेस से कितना ट्रांसपिरेशन होता है, ज्यादा किस सरफेस से होता है, कम किस सरफेस से होता है, ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे दो एक्सपेरिमेंट हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है कोबाल्ट क्लोराइड मेथड और दूसरा है फोर लीफ मेथड। तो पहले एक्सपेरिमेंट में कोबाल्ट क्लोराइड मेथड, इसके अंदर हम एक पॉट लेते हैं, पॉट में प्लांट लगा हुआ है, पॉट वेल वॉटर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर पानी अच्छी मात्रा में पड़ा हुआ हो। इसमें पौधा लगा हुआ है, इसकी एक लीफ, क्योंकि हमने बड़ा प्लांट लिया है, एक लीफ जो कि बड़ी हमें यहाँ दिख रही है, इससे हम ट्रांसपिरेशन की रेट को नापेंगे अपर और लोअर सरफेस पे। तो यहाँ हमने एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लिया है, फिल्टर पेपर, उसको कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन में 3% कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम उसको भिगो लेते हैं, जिसके बाद वो भीगने के बाद उसको यदि हम ड्राई करते हैं तो वो ब्लू कलर का हमें दिखाई देगा। उस फिल्टर पेपर का गोल काट लिया हमने और दो फिल्टर पेपर हमने अपर सरफेस और लोअर सरफेस, यानी पत्ती बीच में रखी है, लोअर और अपर सरफेस पर क्या लगा दिया, फिल्टर पेपर लगा दिया, और उस फिल्टर पेपर को एक क्लिप के द्वारा कस दिया गया, इसलिए फिल्टर पेपर निकले नहीं। ये किस कलर का है, ब्लू कलर का फिल्टर पेपर है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ठीक है। ये पेपर क्योंकि ब्लू कलर का है, जैसे ही मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है पिंक कलर का हो जाता है, और यही स्टडी हमें करना है। तो मॉइस्चर कहाँ से आएगा, अभी तो हमने इसको क्या किया है, ब्लू कलर के पेपर को डिस्क के बीच में लगाया, पत्ती की अपर और लोअर सरफेस, इसको डिस्क से क्लिप के द्वारा कस दिया गया। इस एपरेटस को धूप में रख देते हैं, पानी भाप बनकर उड़ता है धूप में, ट्रांसपायर होता है, और हम देखेंगे अब लोअर सरफेस से ज्यादा हुआ है या अपर सरफेस से ट्रांसपिरेशन ज्यादा हुआ है। तो हम जब उसको थोड़ी देर बाद, मतलब एक घंटे बाद, हम इसको नापते हैं, देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन कहाँ से ज्यादा हुआ, तो जो अपर सरफेस वाला फिल्टर पेपर था, गोल वाला जो ब्लू कलर का था, वो कम पिंक होता है, और लोअर सरफेस वाला, लोअर सरफेस की तरफ जो फिल्टर पेपर है वो ज्यादा पिंक हो जाता है। और हमने आपको ये बताया कि जो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है वो ब्लू कलर का होता है, जो ड्राई पेपर था वो ब्लू कलर का था, और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने पर वो कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया। तो पिंक कलर किसमें ज्यादा आया, तो वो लोअर सरफेस की तरफ ज्यादा आया। इसका मतलब ये है कि लोअर सरफेस से ट्रांसपिरेशन ज्यादा हुआ। अब ज्यादा लोअर सरफेस से ट्रांसपिरेशन ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये डाइकोट लीफ, डाइकोट प्लांट लिया है, आप देख रहे हो, डाइकोट प्लांट हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, जालिकावर शिरा विन्यास है, और जालिकावर शिरा विन्यास, इसका मतलब ये डाइकोट लीफ है, और डाइकोट लीफ में हमेशा ही लोअर सरफेसेस पर स्टोमेटा ज्यादा पाए जाते हैं, अपर सरफेस पर कम होते हैं।
तो जब लोअर सरफेस पर ज्यादा है स्टोमेटा तो स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा, इसलिए लोअर सरफेस की तरफ जो फिल्टर पेपर है ब्लू कलर का वो जल्दी पिंक हो जाता है और ज्यादा पिंक हो जाता है, जबकि जो अपर सरफेस पर है वो देर में पिंक होता है और कम मात्रा में पिंक होता है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है जो फोर लीफ मेथड है, इसमें हम चार पत्तियां लेते हैं, एक ही प्लांट की चार इक्वल साइज की हमने लीफ ली है और उन पत्तियों को हमने एक स्ट्रिप लेकर एक मतलब डोरी लेकर एक स्टैंड पर बांध दिया। ठीक है, ये डोरी है, ये स्टैंड है, इन पर ये चार पत्तियां बंधी हुई। अब इन चार पत्तियों में क्या है, पहली पत्ती ऐसी है जिसके दोनों साइड पर हमने वैसलीन लगाई। वैसलीन क्या है, वैक्स वाली एक क्रीम होती है जो आप सर्दियों में हाथ करके लगाते हो, वो वैसलीन होती है। और इनको हमने क्या किया, यानी लोअर और अपर सरफेस दोनों को कवर कर दिया, पत्ती की दोनों सरफेस को कवर कर। बी पत्ती जो हमने ली है उसमें केवल लोअर सरफेस को कवर किया वैसलीन से। ठीक है, और जो सी पत्ती है उसमें केवल अपर सरफेस को कवर किया वैसलीन से, लोअर सरफेस फ्री छोड़। और जो डी पत्ती है उसमें दोनों पर दोनों सरफेसेस पर वैसलीन नहीं लगाई, यानी सिंपल पत्ती। समझ में आ रही है, एक पत्ती जिसमें दोनों साइड पर वैसलीन लगी है, बी पत्ती केवल लोअर सरफेस पर लगी है, सी पत्ती केवल अपर सरफेस पर लगी है और डी पत्ती जिसमें वैसलीन नहीं है, नो वैसलीन। ठीक, हम ये हमारा एपरेटस धूप में रखा है, किस सरफेस से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा हमें कैसे पता लगेगा। तो हम पहली पत्ती को देखते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल रहती है, अपर और लोअर सरफेस इसकी कवर्ड है, यानी इसके स्टोमेटा ढके हुए हैं, वैक्स से कवर्ड है और आपको पता है जब वैक्स की लेयर लग गई है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, इसकी सतह से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। तो ये लीफ ऐसी की ऐसी रहेगी, नॉर्मल पत्ती की तरह रहेगी। दूसरी पत्ती जिसमें लोअर सरफेस पर वैसलीन थी, यानी लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, हमने उनको कवर कर दिया है, ये पत्ती थोड़ी सी मुरझाती है, केवल अपर सरफेस से ट्रांसपिरेशन होता है, कम मात्रा में होता है, इसलिए ये पत्ती थोड़ी मुरझाती है। तीसरी पत्ती जिसमें केवल अपर सरफेस पर वैसलीन लगाई गई है, लोअर सरफेस पर नहीं लगाई गई है, तो ये पत्ती थोड़ी ज्यादा मुरझा जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी लोअर सरफेस खुली हुई है, लोअर सरफेस से ट्रांसपिरेशन ज्यादा मात्रा में हो रहा है, और हमने इस एक्सपेरिमेंट से भी देख लिया कि लोअर सरफेस से हमेशा ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है क्योंकि इस पर स्टोमेटा की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, ये हम डाइकॉट की बात करें, देन ये वाली पत्ती बी डी पत्ती जो है जिस पर कहीं भी वैसलीन नहीं लगी है, ए और बी दोनों साइड लोअर अपर साइड दोनों फ्री है, इस पर वैसलीन नहीं लगी है, थोड़े समय बाद देखते हैं हमें मुरझा जाती है पूरी। क्यों मुरझा जाती है, क्योंकि लोअर और अपर दोनों सरफेसेस से ट्रांसपिरेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये पत्ती जिसमें दोनों सरफेस कवर्ड है, लोअर और अपर सरफेस के स्टोमेटा कवर्ड है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ये ऐसा रहती है। बी में लोअर सरफेस कवर की गई है वैसलीन से, तो लोअर सरफेस पर क्योंकि स्टोमेटा ज्यादा होते हैं ट्रांसपिरेशन को रोक दिया गया है, केवल अपर सरफेस से ट्रांसपिरेशन हुआ है तो कम मुरझाई है। तीसरी पत्ती ज्यादा मुरझा जाती है क्योंकि इसकी लोअर सरफेस को जहां से ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है हमने खुली छोड़ दी। और चौथी पत्ती जिस पर वैसलीन नहीं लगाई गई है, एक भी सरफेस पर वैसलीन नहीं लगी है, तो वो पत्ती पूरी की पूरी मुरझा जाती है। तो इस तरीके से हम रिलेटिव रेट नापते हैं ट्रांसपिरेशन की, कि किस सरफेस से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। अब आपको समझ में आया कि ट्रांसपिरेशन डाइकॉट प्लांट में हमेशा लोअर सरफेस से ट्रांसपिरेशन की रेट ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि लोअर सरफेस पर स्पॉन्जी टिश्यू के नीचे जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटा की संख्या जो है वो हमेशा ज्यादा होती है अपर सरफेस की अपेक्षा। अपर सरफेस में बहुत कम होते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स में होते हैं, लेकिन लोअर सरफेस पर ये ज्यादा होते हैं, इसलिए स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन लोअर सरफेस से ज्यादा होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।